क्या ना फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा आपके बच्चे का। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पिछले साल तुमने जो आधार कार्ड दिए थे उसका मेरे पास डिटेल है, तो इस बार तुम्हारे पास नया कैसे आया? पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पांच पांच आधार कार्ड, सर डेट ऑफ बर्थ बताओ, पांच लेके आए हो, कौन सा चलेगा? ये 2006 वाला चाहिए, 7 वाला चाहिए, 8 वाला चाहिए, 9 वाला चाहिए, एडमिशन तो करवा के रहो, क्यों गलत काम कर रहे हो भाई? अफसर बनने के 36 तरीके हैं, मैं बताऊंगा लेकिन सही तरीके। सर मेरे पास फोन आ रहा है हिंदुस्तान से, मैडमों के पास हर रोज 15,000 से 20,000 कॉल पूरे ऑल ओवर इंडिया से आता है, और हमारा जो कॉल सेंटर है ऐसे 100 टेलीकॉलर्स लगे हुए, काउंसलर्स लगे हुए जो उनको हेल्प कर रहे हैं। नमस्कार सर, मैं करियर इंस्टीट्यूट से बात कर रही हूं, बताइए सर सोनिया मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूं? पेरेंट्स पता क्या बोल रहे हैं, मैडम विनय सर को बोलो 5 लाख दे देंगे, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में एडमिशन करवा दे। अरे 5 लाख लगा के पढ़ा ले ना, उसका 10% लगा ले तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। विनय सर को बोलो बच्चे को फौज में एडमिशन, फौज में भर्ती करवा दे, सिपाही लगवा देंगे, 10 लाख रुपया दूंगा। अरे भाई 10 लाख लेके अपने बच्चे को पढ़ा ले, मेरे पास क्यों मार? ऐसे लोग मेरे नंबर पे कॉल ना करें, हमारा टाइम खराब ना करें, क्योंकि हम लोग एक मिशन पे निकले हैं, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई है, और हम ऐसे ही लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल भी ना आए, नहीं तो मेरे किसी काउंसलर ने उनको गलत तरीके से जवाब दे दिया है, कुछ कर दिया तो उनको बुरा लगेगा। मैंने काउंसलर को बिल्कुल समझा रखा, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो। ऐसे लोगों का एक बार कॉल आए, अगली बार इनको सही सवाल भी पूछे तो भी जवाब दे, क्योंकि ऐसे लोग गलत है। हमारे सिस्टम के अंदर ऐसा कोई टीचर नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई बच्चा नहीं आना चाहिए, ऐसे कोई माता पिता नहीं आने चाहिए। ऐसे माता पिता आके 4 लोगों को बढ़वा देते हैं। हर महीने हम सर पीटीएम करते हैं, किसी स्कूल में हर महीने पीटीएम होती है? आप जिस स्कूल में थे, हाँ जी मैडम आपका नाम क्या? पूजा मैडम, आप जिस स्कूल में थे वहां पे हर महीने पीटीएम होती थी कि 3 महीने में एक बार होती थी? हर क्वार्टरली होती है ना। आप भी जिस स्कूल में पढ़े थे, आप हमारे स्कूल में हम हर महीने रखते हैं, हर महीने का लेखा जोखा देते हैं। अगर कोई कमी है खाने में, पीने में, पानी में, कैमरे नहीं लगे हैं, एक्वा गार्ड नहीं लगे हैं, आप बताओ हमें आके? आपस में कुचुर पुचुर नहीं चलेगा। हमने क्या सिस्टम क्या है हमारा, कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे स्कूल में आइए, हर महीने पीटीएम हो रही है। टीचिंग क्वालिटी में चैलेंज कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, बाकी जगह 19-20 हो सकता है, मान लेता हूँ अपनी गलती हाथ जोड़कर, लेकिन पढ़ाई में चैलेंज कर रहा हूँ। क्रैश कोर्स में हमारे यहाँ सर सवेरे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बच्चे सो जाते, फिर 5 बजे से लेकर 11 बजे तक फिर ताबड़तोड़ क्लासेस चलती है, और दिन के टीचर अलग रात के टीचर अलग, फ्रेश होकर के पढ़ाते हैं जो ताबड़तोड़ एनर्जी से, और रिजल्ट हर साल, और जितने भी रिजल्ट हमने अपनी वेबसाइट पर डाले हैं एक एक कॉन्टैक्ट नंबर तक डाले। बहुत बढ़िया बात है ना, कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी नहीं डालता, हमने नोटिस किया, किसी भी कोचिंग सेंटर में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देगा। मेरे पास एडमिशन कराओगे ना मैं ऐसे दे दूंगा, 100, 50, 150, 200 जितने ले लो दे दूंगा, जाके बात कर लेना घर पे आराम से, कोई टेंशन नहीं। सर आपकी फैकल्टीज का वे ऑफ टीचिंग में क्या चीज़? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया सवाल है, फैकल्टी से रिलेटेड जो मैडम ने पूछा है। मैडम हमारे यहाँ पे जो पहली बात तो बोर्डिंग स्कूल है, तो हम लोग हैं जैसे नॉर्मल स्कूल में क्या होता है, नॉर्मल बहुत ही फैकल्टी रख लेते हैं, आस पास गाँव के टीचर रख लिए, आस पास गली के मोहल्ले के। हमारा क्या है, बोर्डिंग स्कूल है, सारे टीचर बाहर से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। YouTube के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने पूरे हिंदुस्तान से, अगर आपके दम है रिज्यूम दे दो हमें, हमने वीडियो डाली है। हमारे पास एक से बढ़कर एक टैलेंटेड मैडम है, एक से टैलेंटेड मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ, अब वो बच्चों को टीचिंग कराते हैं, वो वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई उनकी, उन जो टीचर पढ़ाते हैं उनका खाना पीना हमने फ्री कर दिया, उनके बच्चों की पढ़ाई हमने फ्री कर दी। टीचर की तो बल्ले बल्ले हो गई, और टीचर दिल दमादम जोर लगा रहा है, क्योंकि टीचर को ना तो खाना बनाना है, ना तो अपने बच्चे की टेंशन लेनी है, ना वाइफ की टेंशन लेनी है, वाइफ भी पढ़ा रही है स्कूल में, हस्बैंड भी पढ़ा रहा है, उनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चों का खाना पीना फ्री, बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्री, टीचर बहुत खुश है, और खुश आदमी ऐसा रिजल्ट देता है कभी सोच नहीं सकते। हमारा बच्चा खुश है इसलिए रिजल्ट अच्छे। सर अगर उसी टीचर का बच्चा भी क्लास में पढ़ रहा है तो ब्यासनेस नहीं हो सकती? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग क्लासेस होती है ना मैडम। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो तरह के स्कूल है, लोगों को पता नहीं, हमारा एक बोर्डिंग स्कूल है एक नॉन बोर्डिंग स्कूल है। जो हमारे टीचर हैं, आपका बच्चा मान लो आप बोर्डिंग टीचर हो, लेकिन आपका आपके बच्चे को दूसरे स्कूल में भेज देंगे नॉन बोर्डिंग वाले, दोनों इकट्ठे ही हैं, साथ में ही हैं,
आमने सामने ही है, इससे क्या होता है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। मम्मी इधर पढ़ा रही है, बच्चा उधर पढ़ रहा है, पापा दूसरी क्लास में पढ़ा रहे हैं। इससे क्या है कि इकोसिस्टम अच्छा बनता है। फिर अगर टीचर खुश है तो आपके बच्चे को, अब क्या है कि वो उन बच्चों में अपना बच्चा देखता है। मुझे हर बच्चे में अपना बच्चा दिखाई देता है। मेरा बच्चा कोई पानी की वजह से बीमार होगा, मैंने कोने कोने में एक्वा गार्ड लगवा दिया। मैंने सोचा क्या मैं अपने बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाऊंगा जहाँ एक्वा गार्ड नहीं होगा, जहाँ आर ओ नहीं होगा। आर ओ तो फेल है अभी, हमने एक्वा गार्ड फेल है, हमने अभी हर कोने कोने में आर ओ लगवा दिया। आर ओ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, और ये डॉक्टर ने बोला, मैंने नहीं बोला। डॉक्टर कहता है आर ओ सर, एक्वा गार्ड सर मजा नहीं आता। सर आर ओ लगवाओ, चार फिल्टर लगे होते हैं, दो मेम्ब्रेन लगे होते हैं, वो लगवाओ। मैंने कहा ठीक है जी, वो लगवा। और फिर क्योंकि बच्चे कहीं बीमार हो गए, किसी टाइफाइड हो गया, कुछ हो गया, बच्चे की पढ़ाई खराब हो गई। तो और हमारे विद्यालय में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, साल में दो बार छुट्टी होती है। सर इसमें खास क्या है, हर स्कूल में साल में दो बार छुट्टी होती है। जून में हम सिर्फ 15 दिन की छुट्टी करते हैं, जनवरी में हम सिर्फ 15 दिन की छुट्टी करते हैं। बच्चा होली भी हमारे साथ मनाता है, दिवाली भी हमारे साथ मनाता है, क्रिसमस भी हमारे साथ मनाता है, बर्थडे भी हमारे साथ मनाता है। जो लोग आ रहे हैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया, क्योंकि आप एक साल के लिए आ रहे हैं, दो साल के लिए आ रहे हैं। आपको लगता है एक साल बहुत है, लेकिन हमें पता है एक साल कुछ भी नहीं है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं छुट्टी के लिए, ग्रह शनि पूजा के लिए हमारे यहाँ छुट्टियों का आवेदन मत दे, बिल्कुल मत दे। शादी में जाना है तो हमारे यहाँ छुट्टियों का आवेदन मत दे, हमारे यहाँ ऐसी कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। हम लोग एक मिशन के निकले हैं, बच्चों को जब तक सेलेक्ट नहीं कर पा लेते, मार्च से पहले हमारे अंदर सांस प्रॉपर नहीं लेते हम लोग, उससे पहले हमारी जो हार्ट बीट होती है बहुत तेज चलती है, हमारे जो कदम है, जो हमारी दिमाग है वो तेजी से दौड़ता है। टेक्नोलॉजी से अभी हमने, अगर मैं फ्रेंकली आपको जवाब दूं, क्योंकि मेरे स्कूल में जो मैडम जो बच्चे आते हैं ना, उनका मोटिव, उनका गोल, उनका ड्रीम सिर्फ एक ही है, ऑफिसर बनना है। ऑफिसर बनना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल में भी टेक्नोलॉजी से दूर रखा जाता है, मिलिट्री स्कूल में भी दूर रखा जाता है। हाँ, और तो उनकी कंप्यूटर क्लासेस लगती है, तो हम ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे मोबाइल फोन गैजेट इन सब चीजों, वही टाइम बचा करके तो हम आपके बच्चे को अफसर बना रहे हैं। अगर हमने वही टाइम दे दिया आपके बच्चे को, तो सर आपका बच्चा जो है आपके घर ही पढ़ रहा है, सही है ना। तो कहीं ना कहीं आज के पेरेंट्स इसीलिए तो परेशान है, बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं, बच्चा क्लास लगाता है, गबंक मार रहा है, बर्थडे मना रहा है, परेशान है। बच्चे को मोबाइल फोन दिला दिया, सारा दिन मोबाइल पे लगा हुआ है, परेशान है। हमने वही सारी चीजों को एलिमिनेट कर दिया, और एलिमिनेट करने के बाद सारी चीजें हमने खत्म कर दी, टोटली खत्म कर दी। सिर्फ स्कूल में क्या होता है, खाना, पढ़ना, खेलना और सोना, टोटल चार चीजें हमारे इनमें काम हो रहा है, बस कोई फालतू चीज नहीं। बच्चों का तो ध्यान से कांटेक्ट कैसे रहता है, हर हफ्ते में एक दिन हम पेरेंट से बात कराते हैं, हर हफ्ते में, महीने में एक दिन मिलवाते हैं, हफ्ते में एक दिन बात कराते हैं। पेरेंट्स को कॉल करने की जरूरत है, अपने आप बच्चा कॉल करेगा। फ्राइडे सिस्टम बनाया, पांचवी का बच्चा फ्राइडे को फोन कर लेता है, छठवीं का बच्चा सैटरडे को कर लेता है, सातवीं का बच्चा संडे को कर लेता है, ऐसे सिस्टम बनाया। हफ्ते में एक बार आपके पास फोन आएगा, आपको टेंशन नहीं। सर सेवेंथ के बच्चे को संडे को परमिशन है, अगर उसे ट्यूसडे को कोई इमरजेंसी कॉल करना है। इमरजेंसी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इमरजेंसी के लिए हमने सिस्टम बनाया। हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझदार है, उनके खुद के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनको पता है कि वो अपने बच्चे की तरह रखते हैं। अब जब कहते ना कि मैं एक फादर हूँ या मैं एक माँ हूँ, तो मैं दूसरे बच्चे का दर्द ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं वो एक मदर वाली फीलिंग जब तक बच्चे को हॉस्टल में नहीं मिलेगी, बच्चे की जो प्रॉब्लम है होम सिकनेस, ये नहीं खत्म हो सकती। हमारे बच्चों में होम सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो बच्चों को संभालते हैं, जब भी कोई नया बच्चा आता है तो उसको अपने साथ खिलाने ले गए, मैगी खिला दिया, चाउमीन खिला दिया, पिज्जा खिला दिया, शुरुआती 10 दिन में उसको स्पेशल ट्रीटमेंट, उसको राजा बना के रखते हैं। जैसे ही वो सेट हो गया, फिर हम उसमें ताबड़तोड़ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना, और उसको शाम को खिलाना, रात को पढ़ाई कराना, सवेरे टाइम से उठाना। शुरुआत में बच्चों को सवेरे उठने में दिक्कत आती है, वो हम सारा करते हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट यही है सबसे जबरदस्ती, हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, और उसको हमारी एक टीम है, हमारी एक कैमरे की टीम है जो पूरा मॉनिटर करती है। जैसे एक पूरा रूम बनाया हुआ है जिसमें 3 लोग प्रोफेशनल हैं, जिनका काम क्या है, स्कूल के कैमरों को देखना,
मेस के कैमरों का ध्यान रखना, हॉस्टल के कैमरों का ध्यान रखना, कैंपस के गेट के कैमरे पे कोई आया तो नहीं, सारे उसको मैनेज करना, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है। 70 एकड़ में स्कूल नहीं होते, 70 एकड़ में तो यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होते हैं, लेकिन हमारा स्कूल 70 एकड़ में हिंदुस्तान का सैनिक स्कूल से भी बड़ा है, मिलिट्री स्कूल RIMC देहरादून से भी बड़ा स्कूल है। स्कूल में बच्चों को हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से पढ़ाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि देखते हैं बच्चा कैसा है, जैसा बच्चा है उसके हिसाब से उसको दवाई दी जाती है। अगर बीमारी खतरनाक है तो दवाई भी स्ट्रॉन्ग देते हैं, तब 2 टीके लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर बच्चे को हल्का बुखार है तो हल्की दवाई देते हैं। अगर बच्चा पहले से ही अच्छा है, सीधा ए सेक्शन में डाल के सीधा इंग्लिश में कम्युनिकेट, मैथ साइंस इंग्लिश रीजनिंग सब इंग्लिश में चल रहा है, लेकिन सी सेक्शन में बच्चों के साथ हिंदी में, बेटा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपके पापा क्या करते हैं, आराम आराम प्यार से, ठीक है जी। तो अलग अलग सिस्टम है, जैसा बच्चा वैसा टीचर, हर बच्चे को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। तो आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मनोज सर और स्टूडेंट्स, मैं तो मेरे पेरेंट्स को बोलूंगा और मेरे व्यूअर्स को भी बोलूंगा कि सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, अच्छा पर्सन है, राइट। इसके साथ साथ देखो, अगर आप सच में सैनिक स्कूल के लिए ड्रीम कर रहे हैं, या RIMC कर रहे हैं, या RMS कर रहे हैं, या मैंने आपको एक स्कूल हाईलाइट किया CHS, शायद मेरे भी नजरों में पहली बार आया, अगर वो मदर नहीं बताती तो, राइट। उन्होंने मुझे बताया ये कंट्रोल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो देखिए, ये मैं खुद यानी कि आज पहली बार जान रहा हूं CHS की फुल फॉर्म क्या थी, अगर वो मदर नहीं कॉल करती आई वुड नॉट अवेयर एट ऑल। तो यहां पर मुद्दा ये रहता है कि अवेयरनेस, ये आज जो वीडियो है ये इसीलिए दिया गया है कि आप अवेयर हो कि ऑल इंडिया बेस्ट क्या है। सबसे पहले आप सर्च कीजिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा डायरेक्ट कि आप डायरेक्ट इनके स्कूल में, इन्होंने ऑलरेडी बोल दी ये बात कि हमारे पास एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम और बहुत माध्यम से आपकी हेल्प कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने वीडियोस दे रखे हैं, 9 से 10 आपके सामने लाइव आते हैं, आपकी हेल्प करते हैं।